أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कबल हम गुज़िश्ता आयात में सूरह ग़ज़वा उहद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात तैयबात में ग़ज़वा उहद के हवाले से कलाम फरमाया और मुसलमानों की बास कोताहियों की वजह से जो ज़ाहरी तौर पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा और जो बास कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वजूहात बयान फरमाई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ वो लोग जो कि मौत से डरते थे उनके हवाले से इरशाद फरमाया और बयान फरमाया कि वमा कान लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि कोई जान अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न के बग़ैर नहीं मर सकती। किताबम मुअज्जला, तो ये लिखा हुआ है, जिस जान को जिस वक्त मरना है उसके मौत का वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमा दिया, तो ना तो उससे पहले मरेगी ना उसके बाद मरेगी। तो अब ये समझना कि जहाद में हम शरीक होंगे तो हमें मौत आ जाएगी, तो ये अबस है। अल्लाह तबारक व तआला जिस जान को जहाँ पे मारेगा उसको वहाँ पहुँचा देगा और कोई जान अपने वक्त से पहले नहीं मरेगी। फिर फरमाया कि वमन युरिद सवाब अद्दुनिया नूतिहि मिन्हा, और जो कोई दुनिया का फ़ायदा हासिल करना चाहता हम उसे दे देंगे। या जहाद में शिरकत दो ही वजूहात से हो सकती है, या तो आखिरत का फ़ायदा हो या दुनिया का फ़ायदा हो। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि जो दुनिया का फ़ायदा चाहता है हम उसे दुनिया का फ़ायदा दे देंगे। वमन युरिद सवाब अल आखिरत नूतिहि मिन्हा, और जो आखिरत का फ़ायदा चाहता है, आखिरत का बदला चाहता है, हम उसे दे देंगे। वसनजज़ी शाकिरीन, और हम शुक्र वालों को पूरा अता फरमाएँगे, उसका बदला देंगे। तो शुक्र करने वाले लोग वही हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्रगुजार रहते हैं, उसका हमद बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में वो लोग जब उन्हें अच्छाई पहुंचती है तो वो शुक्र अदा करते हैं, जब तकलीफ़ आती है तो वावेला मचाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ज़िक्र नहीं फरमाया, बल्कि हर हाल में अल्लाह की हमद करने वालों का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि अनकरीब हम उनको उसका बदला देंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के दिलों को मज़ीद तक़वियत देने के लिए और ग़ज़वा उहद की वजह से जो उनका गम लाहिक हुआ और बाज़ लोगों ने कलाम किया, गुफ्तगू की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर गुज़िश्ता ज़माने के अहले ईमान का ज़िक्र फरमाया और इरशाद फरमाया कि कई मिन नबीयिन क़ातला मअहु रिब्बियून कथीर, कि कितने ही नबी हैं, कितने ही अंबिया हैं कि जिनके साथ मिलकर बहुत सारे अल्लाह वालों ने जिहाद किया। फ़मा वाहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह की राह में जो कुछ उनको पहुँचा, जो तकालीफ आई, तो उसकी वजह से वो सुस्त ना हुए। वमा दाफ़ू, और ना ही वो कमज़ोर हुए। वमस्तकानु, और ना ही अल्लाह के दुश्मनों से दबे, यानी अल्लाह के दुश्मनों का रोब उन पर तारी नहीं हुआ। वो अम्बिया किराम के साथ मिलकर वो ज़िक्र असकार करने वाले नेक अफराद, उन्होंने मिलकर जिहाद किया, तकलीफ़ें भी आईं लेकिन सब उन्होंने बर्दाश्त की। तो बताने का मकसद यहाँ पे, इस बात का जिक्र करने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों को गिरोह, तुम भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद कर रहे हो, तो तुम्हें भी इस सिलसिले में कमज़ोरी की ज़रूरत नहीं है। और बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को, क़्यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए इसमें दर्स दे दिया गया है कि जिस तरह गुज़िश्ता उम्मतों में मुख्तलिफ लोगों ने अल्लाह के नबियों के साथ मिलकर कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद किया और इस राह में उन्हें तकालीफ़ आई तो उन लोगों ने सब्र किया, तो इसी तरह तुम्हें भी सब्र करना चाहिए। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। वमा काना कौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना ग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना,
और उन लोगों की का कौल तो यही था, यानी तमाम तकलीफ़ें और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद वो लोग यही अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते थे कि हमारे रब तो हमारी मग़फ़रत फरमा दे, हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे, वह इसराफाना फ़ी अमरीना, और हमारे काम में हमसे जो ज़्यादती हुई है ए रब करीम तो उसे भी माफ़ फरमा दे, वह सब्बित अक़दामना, और तो हमारे कदमों को जमाए रख, वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, और काफिरीन की कौम पर हमारी मदद फरमा। तो बावजूद ये कि रब्बियून अल्लाह तबारक ने उनके लिए इरशाद फरमाया कि यानी अल्लाह के बहुत इल्म रखने वाले और बहुत जिक्र करने वाले लोग थे, बावजूद ये कि वो लोग गुनाहों से महफूज थे लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में अपनी आजजी को जिक्र करते थे और अर्ज़ करते थे कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों खुदाओं को माफ़ फरमा दे, और हमें साबित कदम रख काफिरों के मुकाबले में और हमारी मदद फरमा। फ़ाताहुमुल्लाहु सवाबद्दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरती, तो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें दुनिया का सवाब भी अता फरमाया, दुनिया का इनाम भी अता फरमाया और आखिरत का अच्छा इनाम अता फरमाया, आखिरत की खूबियाँ भी अता फरमाई। तो वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक तआला मुहसिनीन को नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। तो यहाँ पर मोमिनीन को तंबीह फरमा दी और फिर उसके बाद फिर वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु इन तुतीउल्लज़ीन कफरू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। फरमाए कि ए ईमान वालो, ए मोमिनीन, अगर तुम काफिरों की पैरवी करोगे तो यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम, तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल फेर देंगे और पस तुम लोग खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। तो यहाँ पर इशारा फरमाया गया कि ये काफरीन मुनाफिकीन जो मुसलमानों के साथ लगे हुए थे और उन्होंने आइन टाइम पर मुसलमान के लश्कर को छोड़ दिया, तो मोमिनीन को इनके बारे में तंबीह फरमाई कि आइंदा भी कभी उनकी पैरवी ना करना, क्योंकि वो खसारे वाले हैं, फिर तुम भी उनके साथ मिलके खसारे वाले हो जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वह खैरुन नासिरीन, और वह बेहतरीन मदद करने वाला है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने आगे जो इरशाद फरमाया उसका पस मंज़र ये है, शान नज़ूल ये है कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को आखिर में हज़ीमत उठानी पड़ी, तो उसके बाद अबू सुफियान और उसके लश्कर वहाँ से चला गया। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में अल्लाह ने इनको ईमान की दौलत अता फ़रमाई, तो उसी हवाले से ज़िक्र किया जा रहा है। तो फरमाया कि जब वो रास्ते में पहुँचे तो दरमियान में उन्हें ख्याल आया कि मुसलमानों को हमने हजीमत दी, और ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग वापस जाके मुसलमानों को बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म कर दें, आज मौका अच्छा है ताकि आइंदा जो है हमारे मुकाबले के लिए कोई भी ना रहेगा और दीन इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। तो उन लोगों ने ये इरादा किया तो अल्लाह तबारक तआला ने उनके दिलों में खौफ पैदा फरमा दिया और वो डर गए और उन्होंने दोबारा आने की हिम्मत नहीं की। तो अल्लाह फरमाता सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रू, तो हम ज़रूर काफिरों के दिल में रोब पैदा कर देंगे, अर रोबा अल्लदीन कफरु रुअबा बिमा अशरकु बिल्लाही, कि उनके दिलों में हम ज़रूर रोब पैदा कर देंगे उस वजह से कि जो इन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, मा लम युनज़्ज़ल बिही सुल्ताना, कि जिस पर अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है, यानी शिर्क पर अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी कि अल्लाह के साथ शिर्क करो, बल्कि अल्लाह ने तो इसके खिलाफ़ दलाइल नाजिल फरमाए हैं। तो इनके इस शिर्क की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में रोब पैदा कर दिया मुसलमानों का, बावजूद ये कि मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन वापसी की हिम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें पैदा नहीं फरमाई और वो डर गए और फिर वापस चले गए। वमा वाहुमुन नार, मगर उनका ठिकाना जहन्नुम है। वह बिस मसवल का मसवल ज़ालिमीन, और ज़ालिमों का क्या बुरा ठिकाना है। तो बहरहाल वक्ती तौर पर इनको फतह हासिल हुई, लेकिन अल्लाह ने उनके अंजाम को बयान कर दिया कि इनका अंजाम बहरहाल बुरा है और जहन्नुम इनके लिए तैयार की गई है। वलकद सदककुमुल्लाहु वअदहु इस्तहस्सूनहुम बिइज़्निही, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादे को सच्चा फरमाया, पूरा कर दिया, जब तुम उसके हुक्म से क़िताल करते थे कुफ्फार से। यहाँ पर इस आयत तैयबा के शान नज़ूल के बारे में मुफस्सरीन फरमाते हैं कि जब मुसलमानों को ग़ज़वा उहद में कुछ नुकसान पहुँचा तो बाद में बाज़ मुसलमानों ने आपस में ये गुफ्तगू की कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमसे फतह का वादा फरमाया था और हमें तो फतह नहीं मिली है। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत तैयबा नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तो अपना वादा सच्चा कर दिया था,
कि जब तुम अल्लाह के हुक्म से कुफार से किताल कर रहे थे, यानी जब तक नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक तुम बहादुरी बेजिगरी से लड़ते रहे, तो अल्लाह तबारक तआला ने इब्तदाई में तुम्हें फतह दे दी थी, और जिसकी वजह से कुफार पीठ फेर के भाग पड़े थे, अपना साजो सामान छोड़ के भाग रहे थे। हाँ, ये फतह शिकस्त में तब्दील उस वक्त हुई, हत्ता इदा फशिल तुम, यहाँ तक कि तुमने बुजदली दिखाई, व तनाज़ा तुम फिल अम्र, और तुमने मामले में हुक्म में झगड़ा किया। यहाँ पर अमर में झगड़ा किया तो उससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम का वह हुक्म है जो आप अलैहिस्सलाम ने घाटी पे मुकर्रर 50 तीर अंदाजों को दिया था, और उनसे कहा था कि किसी कीमत में भी इस घाटी को ना छोड़ना, यहाँ तक कि हम लोगों को शहीद कर दिया जाए, हमारे जिस्म को टुकड़े कर दिए जाएँ, तब भी तुम इस घाटी को ना छोड़ना। तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश रदी अल्लाह तआला ने अपने लोगों को मना किया, तो उन लोगों ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का यह हुक्म तो उस वक्त तक के लिए था जब तक कि जंग जारी हो, अब तो जंग ख़त्म हो चुकी है, जिहाद ख़त्म हो चुका है, कुफ्फार भाग रहे हैं, तो चुनाचा हम लोग भी अब चलते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश रदी अल्लाह तआला अन्हों ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि मैं नहीं जाऊँगा, तो वो अपने 10 साथियों के साथ उस घाटी पर कायम रहे, बाकी तकरीबन 40 आदमी वो मैदान जहाद में लौट आए, और उन्होंने माल गनीमत को जमा करना शुरू किया। तो अल्लाह तबारक ने उसी बात की तरफ इशारा फरमाया कि तनाज़ा तुम फिल अम्र, तुम नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मामले में आपस में तुम बहसों मुबाइसा किया, वह आसई तुम मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुम लोगों ने नाफरमानी की उस चीज़ को देखने के बाद जिसको तुम पसंद करते थे। जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत में माल की मोहब्बत है। तो अब चूँकि बहुत सारे लोग नए मुसलमान भी हुए थे, अब उनका तस्किया का मरहला पूरे तौर पर उन पर गुजरा नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों ने जब माल गनीमत को देखा तो उसकी तरफ वो लोग मुतवज्जे हुए। और दूसरी इश्तेहादी गलती उनसे ये हुई कि जनाब जंग तो ख़त्म हो चुकी है, तो अल्लाह तबारक तआला ने उसी बात की तरफ इशारा फरमाया कि अपनी पसंदीदा चीज़ देख कर तुम लोग नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की, और फरमाया कि मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, और तुम में से बाज़ तो वह है जो दुनिया चाहते हैं, वो मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और बाज़ वह है जो आखरत को चाहते हैं, यानी आखरत की कामयाबी को चाहते हैं। थुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलीकुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, यानी पहले तो गलबा मुसलमानों का था, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फेर दिया, अब मुसलमान आजमाइश में आ गए, ताकि देखा, ताकि बयान हो जाए कि कौन पक्का मोमिन है और कौन मुनाफिक है। वलकद अफा अनकुम, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी आजमाइश की, और आजमाइश का नतीजा यही निकला कि बाज़ लोग तो चले गए थे मैदान जहाद छोड़ कर, और बाज़ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम रहे। तो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अल्लाह तबारक तआला बड़ा करीम है अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम पर, तो वाज़ लफ्ज़ों में इशारा फरमा दिया, वलकद अफा अनकुम, बेशक अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, और अल्लाह तबारक तआला मोमिनीन पर बहुत फ़ज़ल फरमाने वाला है। यहाँ पर एक मुहद्दिसीन किराम ने एक बात को बड़े ज़बरदस्त बयान फरमाई, जिससे बहुत सारे बद मज़हब और गुमराह फ़िरकों का रद हो जाता है, कि बाज़ लोग सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला पर एतराज़ करते हैं, और अपने तकरीरों में बड़े मज़े ले लेकर अपने लोगों को खुश करने के लिए ये ग़ज़वा अहद की इस कैफियत को बयान करते हैं, जिनमें से बाज़ मुसलमानों बाज़ सच्चे मुसलमान थे, लेकिन जंग की कैफियत की वजह से वो लोग सामना ना कर सके और मैदान छोड़ के चले गए, जिनमें सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला भी शामिल थे। तो उस पर लोग एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला के सामने किसी शख्स ने यह एतराज़ किया कि उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने ग़ज़वा अहद को छोड़ दिया, और उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ग़ज़वा बदर में भी शरीक ना हो सके, और वह बैतुर रिज़वान में भी हाज़िर नहीं थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला ने उस शख्स को जवाब दिया कि जहाँ तक बैतुर रिज़वान में शरीक ना होने का ताल्लुक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो ख़ुद उन्हें मक्का मौज़ा भेजा था अपना सफ़ीर बनाकर, और जब वो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत में जब वहाँ पर मक्का मुअज़्ज़मा में थे, तो बैतुल रिज़वान में किस तरह शरीक हो सकते थे। और बल्कि हदीस शरीफ में तो आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है, अपना हाथ रख कर फरमाया, और उसी हाथ को अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कि अल्लाह का हाथ तुम्हारे हाथों के ऊपर है। तो गोया कि अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत उस अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दिया, तो उस पर एतराज़ करना ये दिल के टेढ़ेपन की दलील है।
और फिर इसी तरह गज़वाए बदर में जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला शरीक ना हो सके, तो उसकी वजह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि आप अलैहिस्सलाम की दुख्तर नेक अख्तर हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला शदीद अलील थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि आप हज़रत रुकैया की तीमार दाली के लिए रुक जाएँ और आपको वो अजर मिलेगा जो अहल बदर को अजर मिलेगा। फिर जो तीसरा एतराज़ किया कि मैदान जहाद से गज़वा उहद में वो चले गए थे, तो उसके बारे में आपने फिर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की ये आयत तैयबा पढ़ी, वलकद अफ़ा अन्कुम, कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों को माफ़ फरमा रहा, तो ये ज़ालिमों ये गुमराहो तुम कौन होते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे एतराज़ करने वाले कि उन पे एतराज़ करो? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दीन अल्लाह के हुक्म के अलावा है कि अल्लाह तबारक तआला एक बात के बारे में फरमा रहा कि अल्लाह ने उन माफ़ कर दिया और तुम उस पर एतराज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दीन अलग है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक तआला मोमिनीन पे फ़ज़ल फरमाने वाला, जैसे फरमाया कि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, अल्लाह तआला मोमिनीन पे फ़ज़ल फरमाने वाला है। इसका मतलब ये कि तुम मोमिनीन से तुम्हारी राह जुदा है, तो तुम मोमिनीन पे फ़ज़ल करने के लिए तैयार नहीं होते हो। फरमाया कि इज़ तुस्ईदून वला तलऊन अला अहदिन वर्रसूलु यदउकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम ग़म्मन बिग़म्मिन लिकै ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम। अब उसी कैफियत को, ग़ज़वा उहद की कैफियत को मज़ीद बयान किया जा रहा है। और उस वक्त जब तुम मैदान जहाद से मुँह उठाए चले जाते थे, वला तलऊन अला अहदिन, और किसी की तरफ फिर मुड़ के देखते नहीं थे, यानी मैदान जहाद को छोड़ के जा रहे थे, पीछे क्या हो रहा उसको देखने के लिए तैयार नहीं थे, वह रसूल यदूकुम फ़ी उख़राकुम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें एक दूसरे सहाबा की एक दूसरी जमात में तुम्हें पुकार रहे थे, तुम्हें बुला रहे थे, फ़असाबकुम ग़म्मन बिग़म्मिन, तो अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें गम के बाद गम दिया। अब गम के बाद गम दिया, लिकै ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम, ताकि तुम लोग गम ना करो उस पर जो तुमसे फ़ौत हो गया, ला मा असाबकुम, ना उस तकलीफ़ पर जो तुम्हें पहुँची है। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने गम के बाद गम दिया, तो पहला गम तो यही था कि मैदान जहाद में छोड़ने का उनको गम था। अब मैदान जहाद छोड़ने के बाद फिर दूसरा गम उन्हें ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं, तो ये उससे बड़ा गम था, ताकि मैदान जहाद का गम जो उस गम से ख़त्म हो जाए। तो फरमाए लिकै ला तहज़नू, वैसे इसकी और मुतअद्दिद तफासीर मुफस्सिरीन ने बयान की है, तो मैंने यहाँ पे इख्तिसार के लिए एक ही बयान की, ताकि तुम लोग गम ना करो उस बात पे जो तुमसे फ़ौत हो गया है, यानी जो माल गनीमत जो तुमसे फ़ौत हुआ है, ला मा आसाबकुम, और जो तुम्हें चोटें आई हैं, तकलीफ़ें आई हैं, उसका भी तुम्हें गम ना रहे। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है उन तमाम बातों को जो तुम करते हो। ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसी मैदान जिहाद की कैफियत को बयान फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पे नाजिल फरमाया, मिन बाद الغم, गम के बाद, امنة نعاسا, यानी गम इस बात का था कि ये 300 जो मुनाफिकीन थे जो ज़ाहिर में मुसलमान कहलाते थे, वो मुसलमानों को छोड़ के चले गए, जिससे मुसलमानों के दिलों में गम पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता कि उस गम के बाद तुम्हें उसने अमन वाली नींद अता फरमाई। नुआस ओंग को कहते हैं, और ये अजीब अल्लाह ताला की का एक अजीब कुदरत का करिश्मा है कि जब वो अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों पर कोई रहमत नाजिल फरमाता है, तो उसमें ओंग की कैफियत पैदा कर देता है। ख़ास तौर पर हज़रात सूफ़िया किराम जब मुराकबों में होते हैं, तो उस वक्त भी उन पर वो ओंग तारी होती है, ना इंसान जागते में होता है, ना सोते में होता है, बल्कि दरमियानी कैफियत में होता है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाज़ ख्वाब इसी हालत में बताए कि जिसके अल्फाज इसे आते हैं कि मैं ना जाग रहा था, ना मैं सो रहा था, दरमियानी हालत में था। इसी तरह यहाँ पर मोमिनीन पर अल्लाह तबारक तआला ने मैदान उहद में कैफियत तारी फरमाई, उस पर बाज़ हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरा ये हाल था कि मुझ पर अचानक ओंग तारी हुई, तो मेरी तलवार मेरे हाथ से छूटती थी, फिर मैं उठाता था, फिर मुझ पर ओंग तारी होती थी, फिर छूटती थी, फिर मैं उठाता था। तो ये कैफियत अल्लाह तबारक तआला ने तारीफ़ फरमाई, तो ये दरअसल अल्लाह तबारक तआला से सकीना नाजिल होता है, जो दिलों को सुकून अता करता है। जब दिलों को सुकून अता फरमाता है, तो दिल फिर जिस्म जो आराम में चला जाता है। तो उसी की तरफ इशारा फरमाया कि तुम पर उसने ओंग नाजिल, एक अमन वाली ओंग तुम पर उतारी, यक्षताइफतम मिनकुम, जिसने तुम्हारे एक गिरोह को ढांप लिया, वत्वाइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम, और एक गिरोह वो था
कि जिनको अपनी जानों की फिक्र पड़ी हुई थी, यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ ज़न्नल जाहिलियती, और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में गलत किस्म के गुमानात कर रहे थे जाहिलियत के ज़माने वाले, यानी वो सोच रहे थे कि पता नहीं अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए ना फरमाए, आज हमें शिकस्त हो जाए। यकूलून हल लना मिनल अम्र मिन शय, और वो कहते थे कि आज क्या हमारे हाथ में भी कोई मामला है या नहीं है, यानी फतह भी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये अल्लाह ने उनकी कैफियत को बयान फरमाया, ये वही मुनाफिकीन की कैफियत को बयान किया जा रहा। कुल इन्नल अम्र कुल्लह लिल्लाह, कि आप फरमा दीजिए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल अम्र कुल्लहू लिल्लाह, कि मामला सारा का सारा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तबारक तआला चाहेगा तो तुम्हें फतह अता फरमाएगा और चाहेगा तो तुम्हें शिकस्त दे देगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस बात का भी ऐलान करा दिया और तुम्हें अल्लाह की राह में सच्चा होना है। और फरमाए कि युखफून फी अनफुसिहिम मा ला युबदून लक, और वो अपने दिलों में वो बात छुपाते थे जो तुम पर जाहिर नहीं करते हैं नबी अलैहिस्सलाम। यकूलूना, और वो क्या कहते थे आपस में या दिलों में कहते थे, लौ कान लना मिनल अम्रि शयुन मा कुतिलना हाहुना, वो कहते थे कि अगर मामला अगर हमारे हाथ में होता तो आज हम यहाँ पर यूँ मारे ना जाते, हमारा खिताल ना होता। कुल लौ कुंतुम फी बयूतिकुम, अब इस हकीकत को बयान किया जा रहा है, इस सच्चाई को बयान किया जा रहा है कि मौत अल्लाह के हाथ में है, जिसको जब चाहे वो मौत अता फरमाए। तो ए हबीब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए लौ कुंतुम फी बयूतिकुम, अगर तुम अपने घरों में भी होते, लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिहिम, तो जिन लोगों के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने कत्ल होना लिख दिया गया था, तो वो ज़रूर वो जो है ज़ाहिर हो जाते, सामने आ जाते, इला मदाजिहिम, अपने गिरने की जगह पर, अपने कत्ल के मुकाम पर, बिस्तरों को छोड़ के निकल आते। वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, और बिलाशुबा ज़रूर अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे सीनों में जो कुछ है उसको ज़ाहिर फरमाता है, उसका आजमाइश फरमाता है। वलियुमहिसा मा फी क़ुलूबिकुम, और जो तुम्हारे दिलों में है उसे खोलता है, उसे ज़ाहिर फरमाता है। वल्लाहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह तबारक तआला जानने वाला और दिलों की बातों को जानने वाला है। तो अगरचे के मुनाफिकीन इन बातों को छुपा रहे थे, अपने दिलों में सारे के सारे ताने बाने बन रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि उनकी कैफियत ये है। फिर इरशाद फरमाए कि इन्नल लदीन तवल्लौ मिनकुम यौमल तकल जमान, और वो लोग जो तुम में से फिर गए उस दिन जब दो गिरोह आमने सामने हुए थे, यानी ग़ज़वा उहद में मुसलमान और कुफ़ार के लश्कर आमने सामने हुए, इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतान बिबाद मा कसबू, तो बेशक उनको शैतान ही ने फिसला दिया था अपने बाज़ आमाल के सबब। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, लेकिन अल्लाह ने उनको माफ़ फरमा दिया, इन्नल्लाहा गफूरुन हलीम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िर फरमाने वाला है और हिल्म वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे मुनाफ़िकीन की कैफियत को बयान फरमाया, और उसके बाद फिर बाज़ वो जो मोमिन तो सच्चे थे लेकिन जंग की कैफियत को देख कर वो मैदान जंग को छोड़ गए थे, तो अल्लाह तबारक तआला ने ख़ास तौर पर उनके बारे में इरशाद फरमा दिया कि शैतान ने उन्हें फैसला दिया अपने बाज़ आमाल के सबब, लेकिन अल्लाह तबारक तआला मोमिनों पर रहीम और करीम है, और उसने वाज़ ऐलान फरमा दिया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनको भी माफ़ कर दिया, इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह तबारक तआला मग़फ़रत फरमाने वाला और बहुत हिल्म वाला है। हिल्म की सिफत को यहाँ पर बयान करना, हिल्म इंसान के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मुराद यानी बुर्दबारी है, और जब अल्लाह तबारक तआला के लिए इस्तेमाल की जाए तो उससे मुराद यही है कि अल्लाह तबारक तआला मोहलत देने वाला है। यानी वो लोग जो मैदान जहाद छोड़ के गए थे, अल्लाह तबारक तआला चाहता तो उसी वक्त उनको अज़ाब दे सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने वहाँ पर अपने हिल्म को इख्तियार फरमाया और उनको मौका दिया, और उन्होंने सच्ची तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फिर माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। तो ये ख़ास तौर पे मोमिनीन के बारे में तमाम की तमाम उम्मत को बता दिया गया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में अपनी ज़बानों को दराज मत करो, अपनी ज़बानों को रोक के रखो। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत की बरकत है कि अगर उनसे कोई गलती भी सरज़द हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब अलैहिस्सलाम की बरकत से उनकी गलतियों को माफ़ कर देता है, और वो अल्लाह ताला के मकबूल ही रहते हैं।
आज वो लोग जिन्होंने अपने दीन की बुनियाद, अपने मज़हब की बुनियाद इसी बात पर रखी हुई है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को और औलियाए किराम को बुरा भला कहते हैं, तो उन्हें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत तैयबा से सबक लेना चाहिए और अपने अकीदों को दुरुस्त करना चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि शैतान ने उनको फिसला दिया था उनके बाद अमाल की वजह से, लेकिन अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है, तो अब हम कौन होते हैं कि उनके बारे में अपनी ज़बान दराज करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाज़ह फरमा दिया कि जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता हूँ मेरी वजह से करता है, जो मेरे सहाबा से बुग्ज़ रखता हूँ मेरे बुग्ज़ की वजह से रखता है। यानी हकीकतन उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग्ज़ है, तभी वो सहाबा किराम से बुग्ज़ रखते हैं। बहरहाल मोमिन का ये काम नहीं है, मोमिन का काम अल्लाह रसूल की इताअत करना है। जो रब करीम ने इरशाद फरमा दिया, हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, उनकी इताअत करना है। इसलिए अपनी ज़बानों को बंद रखना है और उनके बारे में अच्छा गुमान रखना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद गुफ्तगू अगले प्रोग्राम में की जाएगी। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।